हेलो एवरीवन, हेलो माय लवली व्यूअर्स, नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय गार्डनिंग चैनल। फ्रेंड्स, जून का मंथ शुरू है और जून के मंथ में आप काफ़ी सारे ऐसे काम कर सकते हैं जो विंटर्स में और उसके आने बाद वाले सीज़न में भी काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। और आप देखेंगे कि अगर आप ये 5-6 काम कर लेंगे इस टाइम, तो काफ़ी सारे फूलों वाले पौधे, हाउस प्लांट्स आपके गार्डन में भरे ही दिखेंगे। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आप, अगर आपको लगता है कि आपके गार्डन में कोई पौधा मिसिंग है, आप उनको स्टेम्स कट करके उन पौधों को ग्रो करना चाहते हैं, तो ये सही टाइम है कि आप उनके स्टेम्स कट कर ले और उसे उन स्टेम्स को ज़मीन में लगा ले, गमले में डाल दें। नहीं तो कुछ स्टेम्स ऐसे भी होते हैं जो आप पानी में, ग्लास वाले बॉटल में पानी भर के आप उन स्टेम्स को लगाएंगे तो उनमें भी रूट्स जल्दी आ जाती है। और पौधे जैसे मोगरा, चंपा, हिबिस्कस, कड़ी पत्ता, चांदनी में भी जैसे दो तरह के होते हैं, फ्लावरिंग होती है, एक सिंगल और एक डबल, गुलाब की कटिंग्स आप लगा सकते हैं। तो ये जितने भी कटिंग्स हैं आप इस समय लगा लें तो बड़े आसानी से लग जाएगी। दूसरा काम आपको ये करना है कि आप शॉपिंग कर सकते हैं प्लांट्स की। अगर आपको कटिंग से ग्रो नहीं करना है तो आप गवर्नमेंट नर्सरी से आप शॉपिंग अगर करते हैं तो काफ़ी लो रेट में आपको ये पौधे मिल जाते हैं। तो ये जैसे आप देख सकते हैं, मैक्सिकन पेटूनिया के मैंने दो पौधे खरीदे हैं जो मुझे 30-30 रुपीज़ के ही मिले हैं, और पर्पल और पिंक कलर की फ्लावरिंग होती है बंच में, तो ये पौधे मैंने ख़रीद लिए हैं। डबल चांदनी का भी मैंने ख़रीदा है, क्योंकि पिछली बार जो मैंने लाया था वो बिल्कुल गर्मी, इतनी ज़्यादा गर्मी में वो सूख चुका है। अजवाइन का है और टैंगल हार्ट है, तो ये कुछ पौधे मैंने ख़रीदे हैं। और छोटे पौधों की कटिंग्स अगर आपको लगानी है तो सदाबहार है, पोटूला का, पर्सलेन, इम्पेशंस, तो इनकी भी कटिंग्स आप लगा सकते हैं। क्रोटन जैसे आप देख रहे हैं, ये काफ़ी सारी मेरे पास वैरायटीज़ है, तो इनकी पिछले बार भी मैंने इनकी कटिंग्स ग्रो किए थे और जब उनमें हल्के हल्के रूट्स आने लगे थे तो मैंने उसे गमले में डाल दिया था, जो बहुत ही अच्छे से अभी उनकी ग्रोथ हो रही है। तीसरा काम आपको ये करना है फ्रेंड्स कि अभी विंटर्स में आप देखते हैं कि काफ़ी सारी वैरायटी के फूलों वाले पौधे आते हैं, तो उन सब के लिए आप अभी से ही मिट्टी तैयार कर ले। जो खाली गमले हैं उन सबको अभी आपको मिट्टी से, अगले महीने आपको मिट्टी से भर देना है। तो मिट्टी जो आप देख रहे हैं, इसमें गार्डन सॉइल है, पोटैश है, वर्मी कंपोस्ट प्लस काउडंग कंपोस्ट है, और राख भी इसमें डाली हुई है। राख जो मेरे गार्डन में जो पत्ते इकट्ठे होते हैं, जो ड्राई लीव्स होती है मैंगो की, लीची की, उन सबको मैं जला के जो राख तैयार होती है वो मिट्टी में डाल देती हूँ। और काफ़ी लकड़ियाँ भी गिरती है छोटी छोटी आम की सूखी हुई, तो उन सबको इकट्ठा करके जला के उसका यूज़ मैं इस मिट्टी में कर लेती हूँ, ताकि पौधों में कोई कीड़े ना लगे। तो ये भी आप एक काम कर ले। और जो ग्रास हम कट करते हैं गार्डन की, उससे भी काफ़ी अच्छा एक कंपोस्ट तैयार हो जाता है। और दो अभी गर्मी का मौसम है तो बहुत जल्दी ही तैयार हो जाता है इसका कंपोस्ट, क्योंकि गर्मी में ये बहुत जल्दी सूख भी जाता है, सड़ भी जाता है, तो इस वजह से हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ में आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा करके करीब 1.5 साल से मैं इसमें पत्ते इकट्ठा कर रही हूँ, और ये काफ़ी अच्छा खाद तैयार हो चुका होगा, तो इसका भी यूज़ आगे जाके गमलों में पौधों के लिए किया जाएगा। तो लीफ कंपोस्ट आप तैयार कर सकते हैं। अगर जगह कम है फ्रेंड्स तो आप इस कंपोस्ट को एक बोरे में या कोई भी अनयूज्ड मटके में, मिट्टी के मटके में या प्लास्टिक कंटेनर में आप इस कंपोस्ट को तैयार कर सकते हैं। ये तो हो गया लीफ कंपोस्ट। ऐसे ही हम वेजिटेबल्स पील कंपोस्ट भी तैयार कर सकते हैं घर पर, जो बहुत ही जल्दी बन जाता है। और उसके लिए जितने भी वेजिटेबल पील्स है, पोटैटो पील्स और ग्रीन लेफ्टओवर, नींबू के छिलके, इन सबको आपको इकट्ठा करके एक क्लोज कंटेनर में आपको जमा कर लेना है। थोड़ी थोड़ी मिट्टी भी डालते रहना है, और जब वो कंटेनर पूरा भर जाता है तो उसे आप बंद करके एक शेडी एरिया में रख दे, और 1-1.5 महीने के बाद आपका ये कंपोस्ट तैयार हो जाएगा, जो आपके पौधों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो ऐसी ग्रो बैग्स भी अगर आपके पास होंगे अनयूज्ड, तो उसमें भी आप इस कंपोस्ट को तैयार कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको कहा था फ्रेंड्स कि आप बॉटल्स में भी कटिंग्स ग्रो कर सकते हैं, तो ये क्रोटन के स्टेम्स मैंने कट करके इस बॉटल में डाल के रखे थे, कांच के बॉटल में पानी भर के इनकी स्टेम्स डाल के रखी थी,
तो काफ़ी अच्छी इसमें रूट्स आए हैं और आप देख सकते हैं इसमें रूटिंग काफ़ी अच्छी हुई है। तो इसे आप या तो गमले में लगा लें, नहीं तो इसी बॉटल में रख के आप इन्हें इंडोर रख सकते हैं। ये भी बहुत ही खूबसूरत दिखता है, तो ये भी एक तरीका है प्लांट्स ग्रो करने का। इसके बाद फ्रेंड्स, आप घर पर ही बायो एंजाइम तैयार कर ले। ये नींबू के छिलकों से तैयार किया गया बायो एंजाइम है। आप फ्रेश गेंदे के फूल और फ्रेश देसी गुलाब की पत्तियों से भी आप बायो एंजाइम तैयार कर सकते हैं। और गर्मियों में इनका जो प्रोसेस है ये फास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। और आपके प्लांट्स के लिए, फूलों वाले पौधों के लिए, वेजिटेबल्स के लिए ये बेस्ट फर्टिलाइज़र है। तो इसे आप तैयार करके रखें। और आखिरी में बहुत ही सिंपल काम, जितने भी आपके गार्डन में सूखे फूल पत्तियाँ हैं, सूखी टहनियाँ हैं जो सड़ चुकी है, उन सबको आपको निकालते रहना है। इनफैक्ट निकाल ले, क्योंकि ये पौधे की ग्रोथ को रोकता है और फ्लावरिंग भी अच्छे नहीं होने देता है। तो इन सबको आप निकालते रहे। और अगर आपको लगता है कि कोई पौधा सूख रहा है, तो आप उसको उस पौधे को पूरा निकाल के उसकी रूट्स चेक करें। अगर रूट्स सॉफ्ट होगी तो आप दोबारा उसे रिपोर्ट कर ले। तो ऐसे ही काफ़ी सारे काम आप जून मंथ में कर सकते हैं फ्रेंड्स। और उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।